अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू देसी हैंड फार्मिंग। देसी हैंड फार्मिंग में खुश आमदी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए, मैंने सोचा शौकीन हजरात के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चले दोस्तों, आप मेरे माशाल्लाह से बड़े देख सकते हैं। इस टाइम रात का टाइम है, ठीक है, अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं, तो मैं इनको रात का खाना देने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये उबाइल किए हुए चावल हैं जो ये बहुत ही शौक से खाते हैं। ये उबाइल किए गए चावल हैं, ये अक्सर घरों में बनते हैं, जो रात को बच जाते हैं मैं इनको मुर्गियों को डाल देता हूँ। ये देख लें कैसे खाने के लिए जमा है। मैं अभी इनको डालूँगा तो आप देखेंगे कि ये कितने शौक से और कैसे टूट के पड़ते हैं। ये देख लें, माशाल्लाह से आप इनकी हेल्थ भी देख सकते हैं और देख लें माशाल्लाह बड़े ही शौक से खाते हैं ये चावल। गंदम पड़ी हुई थी इसके अंदर, गंदम खाना दाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ख़ासकर चावलों के मुकाबले में। ये आप देख सकते हैं, जो दोस्त मेरी पिछली वीडियोस भी देखते रहते हैं उनको महसूस हो रहा होगा कि मेरे बर्ड्स काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं अभी इस टाइम। तो दोस्तों, मैंने कुछ बर्ड्स को गोश्त के लिए रखा था। अक्सर ज़्यादातर मेरे ये देसी मुर्गे ही निकल आए थे, जिनको मैंने ज़िबा करके गोश्त के इस्तेमाल के लिए रखा था और ज़िबा करके मैंने इस्तेमाल कर लिया है। इनका गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही लजीज होता है। मुर्गियाँ माशाल्लाह से पट्टियाँ हो चुकी हैं, इंशाल्लाह जल्द ही अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। ये आप इनकी केज का साइज़ देख सकते हैं, केज आपको खाली खाली नज़र आ रही होगी पहले की नस्बत, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी कम है बर्ड्स, तकरीबन 12-13 बर्ड्स कम है अभी इस टाइम। पहले मेरे पास 32-35 के करीब बर्ड्स थे, 35 के करीब मुर्गियाँ थी, तो अभी इस टाइम तकरीबन 18 से 19 हैं ये टोटल। केज भी काफ़ी, केज का जो साइज़ है तकरीबन 3.5x6 साइज़ है, तो इतने साइज़ की केज में तकरीबन इतनी ही मुर्गियां आसानी से आ सकती हैं। ये आप देख लें साइज़ केज का, पहले बर्ड्स ज़्यादा थे इसलिए मैंने अंदर एक स्टिक लगा दी थी। कुछ बर्ड्स जो हैं वो स्टिक पे चढ़ के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे जगह खुल जाती है। ये देख लें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी वाइट मुर्गी है, डरती है काफ़ी। ये देख लें माशाल्लाह वाइट, तीन मुर्गियां मेरे पास वाइट, एक ये वाली है, एक ये वो तो तकरीबन मुर्गा लग रहा है मुझे, और ये बड़ा मुर्गा है वाइट, इसी नस्ल का, बहुत ही अच्छी नस्ल है ये। ये देख लें माशाल्लाह से आप, अभी शरारतें कर रहे हैं, काफ़ी डर रहे हैं एक दूसरे से, ये लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, मारते हैं एक दूसरे को। ये देखें बिला वजह ही भाग रहे हैं एक दूसरे से डर के। तो दोस्तों, शौकीन हजरात के लिए आज की वीडियो ये थी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा देसी हैंड फार्मिंग चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये वाला वाइट मुझे मुर्गा लग रहा है, कलर भी बता रहा है इसका, ये देखें इसकी शाइन, ये बता रही है कि मुर्गा है। वो वाली मुर्गी है तकरीबन, वो ऊपर एक बैठी है वाइट कलर में, वो भी मुर्गी है। चलें दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। ये देखें कैसे ऊपर से खड़ी है, माशाल्लाह कद भी इनके काफ़ी हैं। तो चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह हाफिज़।